हेलो 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 चल गुड मॉर्निंग। तो चलिए बताइए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेप्स एक बार रिपीट कर देते हैं, राइट? एक बार स्टेप्स रिपीट करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था बताओ। क्या करना है? सभी अकाउंट्स क्लोज करने हैं, कौन से? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उसमें से कौन सा अकाउंट क्लोज नहीं होगा? पहला बैंक अकाउंट एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट, ये एंड में क्लोज होंगे, एंड में क्लोज होंगे, इस वजह से अभी क्लोज नहीं करना है। क्लियर? तो क्लोज करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा? रियलाइजेशन। जैसे कि एसेट्स अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है? बैलेंस शीट दी होगी आपको, बैलेंस शीट में एसेट्स होंगे, एसेट्स को क्लोज करना है, तो एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। क्लोज करने के लिए क्या देंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो एसेट को क्रेडिट मिलेगा, तो रियलाइजेशन को हम देंगे डेबिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे सभी एसेट जाते हैं कौन से वैल्यू पे? कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। कोई डाउट है? बुक वैल्यू पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड, उसके बाद में लाइबिलिटीज क्लोज करने हैं। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उसे क्लोज करना है तो डेबिट देंगे, और कहां पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। तो अगर लाइबिलिटीज को डेबिट दे रहे हैं तो रियलाइजेशन को क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा। ध्यान रखना है डेटर्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये दोनों अकाउंट क्या है? अलग अलग है। डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है, या आरडीडी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। उसे इंडिविजुअली अमाउंट जो भी है उसकी, उससे क्लोज करना है। उसके बाद में आगे क्या होगा, जो भी कैश एट बैंक या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में रखना है, क्योंकि वो अभी तक क्लोज नहीं किया है। उसके बाद में क्या होगा, एसेट सेल किए जाएंगे या कोई पार्टनर उसे टेक ओवर कर लेगा। एसेट सेल होंगे तो पहले हम एसेट सेल की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आते थे ना टू एसेट, बट अभी एसेट अकाउंट ओपन ही नहीं है, एसेट कहां पे गया? रियलाइजेशन अकाउंट में। इस वजह से एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और लाइबिलिटीज का पेमेंट करते वक्त क्या होगा, पहले हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करते तो एंट्री करते थे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट अभी क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करके रियलाइजेशन में गया है, तो क्रेडिटर्स की जगह पे कौन सा आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर की, तो पार्टनर कौन है? रिसीवर। उसका क्या है, कैपिटल अकाउंट है ना, तो उस कैपिटल अकाउंट को क्या देंगे? डेबिट देंगे। ठीक है, और रियलाइजेशन को क्या देंगे? क्रेडिट। जनरली एसेट को क्रेडिट देते थे, बट एसेट अकाउंट क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। क्लियर? तो इस तरह से आपको रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। आपको एक बार रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस पता चल गया तो क्या करेंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? नहीं, कैपिटल रेशियो नहीं, कौन से? पीएसआर। कैपिटल रेशियो वो उसके लिए था जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बनता है। क्या बनता है? इंसॉल्वेंट बनता है, तो उसका लॉस बाकी पार्टनर्स उठाएंगे कैपिटल रेशियो में, ऐसा मैंने बताया था। इंसॉल्वेंसी के टाइम पे कैपिटल रेशियो आता है, कौन सा था? गार्नर वर्सेस मुरमरे, याद है कि नहीं? मरे, गार्नर वर्सेस मरे प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कैपिटल रेशियो में होगा अगर इंसॉल्वेंसी की वजह से कोई लॉस में जाता है, मतलब उसका लॉस किसको उठाना पड़ेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशियो में उठाएंगे बोलो? रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशियो में उठाएंगे? कैपिटल रेशियो में। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमने देखा था। उसके बाद में हाँ, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतना ही बैलेंस बचेगा जितना कैश एंड बैंक का बैलेंस है, तो जिसका जो लेना है या देना है वो क्लोज कर दो और अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होगा उसका लॉस, वो जो पैसे बिजनेस में कम ला रहा है उसका लॉस कौन उठाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई भाई, कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल के दो तरीके मैंने बताए थे, टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसमें कौन सा था? फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट्स होते हैं? दो, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं? फिक्स कैपिटल में सिर्फ जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और करंट अकाउंट में क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? ड्रॉइंग, प्रॉफिट, लॉसेस, हर साल जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी कहां पे दिखाते हैं? करंट अकाउंट में। जिससे क्या होता है, हर साल जो आइटम्स होते हैं हमने दिखाए करंट अकाउंट में, उससे आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड। ठीक है, तो आपको कैपिटल रेशियो निकालना है, और फिक्स कैपिटल मेथड से आप जा रहे हो तो कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस था वो आप कंसिडर कर लो। रेशियो निकालना होता है ना कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस कौन उठाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में कौन सा रेशियो लेना है? जो कैपिटल अकाउंट में है। कैपिटल
कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड आपने फॉलो किया? फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल का जो रेशियो है उसी रेशियो में लेना है। क्लियर? कोई डाउट है? नो डाउट? नो? पक्का? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसमें क्या है, सभी सभी एडजस्टमेंट्स करो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, उसमें हम सभी एडजस्टमेंट करते हैं, एक्सेप्ट लॉस ऑन रियलाइजेशन एडजस्ट मत करना, लॉस ऑन रियलाइजेशन एडजस्ट मत करना। ठीक है, उससे पहले जो कैपिटल आता है उन दो पार्टनर्स का या तीन पार्टनर जितने भी पार्टनर है उसका जो रेशियो है उस रेशियो में वो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो लॉस हुआ था वो उठाएंगे। क्या एडजस्ट करना है? एवरीथिंग। सिर्फ क्या एडजस्ट नहीं करना है? लॉस ऑन रियलाइजेशन, उससे पहले जो रेशियो था उनका, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेंगे या उस रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे। ऑडियो तो है ना? ऑडियो है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने ही डाला है, इस वजह से पूछ रहा हूं। क्या कर रहे हो? कैसी आवाज आ रही? किच किच किच। यहां पे बैठ के फोटो खींच रहे हो क्या? यस, क्लियर? ओके, चलो आगे। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट? ये समझने के लिए एक क्वेश्चन मैंने लिख के दिया था, आपने नोट डाउन किया है ना सभी ने? चलिए देखिए, यहां पे एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी। तीन पार्टनर्स है, एक्स, दूसरा कौन है? वाई, तीसरा कौन है? जेड। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2022. ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या दिया? एक्स का कैपिटल दिया, वाई का दिया, जेड का दिया है, फिक्स एसेट दिया है, स्टॉक इन ट्रेड दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिए है। ओके, इसमें सन्ड्री डेटर्स में आरडीडी माइनस नहीं किया है। ठीक है, तो आपको आरडीडी का अलग से ट्रांसफर करना है लाइबिलिटी समझ के या क्रेडिट बैलेंस समझ के, वो करने की जरूरत नहीं है। कैश इन हैंड है, जनरल रिजर्व है। अच्छा, जनरल रिजर्व का क्या होगा? पार्टनर्स को बांट दिए जाएंगे, कौन से रेशियो में? उनके पीएसआर में। क्या है पीएसआर? 4:3:2, उसमें बांट दिए जाएंगे। जनरल रिजर्व उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जनरल रिजर्व को आप रियलाइजेशन अकाउंट में मत भेजो, ये प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स ये लाइबिलिटी नहीं है, ये पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? आगे, पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेड डेट, फिक्स एसेट रियलाइज्ड 5,20,000। फिक्स एसेट्स कितने आ गए? 5,20,000। बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स मतलब क्या? डेटर्स, डेटर्स से कितने मिले? 4,40,000। स्टॉक कितने में गया? 2,50,000। स्टॉक जो है इट वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई, वाई ने लिया, बेचा नहीं है, तो वाई के कैपिटल अकाउंट को क्या मिलेगा? वाई इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सॉरी पर्सनल अकाउंट कहता है, तो वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट मिलेगा और किसको क्रेडिट मिल जाएगा? रियलाइजेशन को, क्योंकि स्टॉक को नहीं। भाई स्टॉक हो गया, सभी अकाउंट क्लोज होकर कहां पे जाते हैं? रियलाइजेशन में जाते हैं। आगे, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स ने हमें 5% का डिस्काउंट दिया, तो 3,20,000 में से 5% डिस्काउंट, तो कितना देना पड़ेगा बताओ? 16,000 कम करो, 3,04,000, राइट? इतना हमने पे किया, पेड है, इतना क्या है? पेड है। आगे, एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹6,000 एक्सपेंसेस किए रियलाइजेशन के ऊपर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है, और क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने कॉलम चाहिए आपको? तीन पार्टनर के कॉलम चाहिए, रुपीज के तीन कॉलम चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों के लिए, और कैश अकाउंट बनाना है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन पार्टनर के लिए हम कॉलम बना रहे, कौन सा कैश इन हैंड है ना, चलो बोलो क्या क्या हुआ है। पहले चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां पे लिखेंगे, तीनों के बैलेंस कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पे, क्रेडिट साइड पे, कहां पे, क्रेडिट साइड पे, बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहां पे 5 लाख नहीं कितना है, 4 लाख, हाँ 4 लाख, डन। आगे सीक्वेंस से जाना है जैसा क्वेश्चन में बताया, आगे जनरल रिजर्व क्या करना है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 4:3:2, तो ये जो 90,000 है उसे 4:3:2 में बांट दो मतलब 4:3:2 टोटल कितना आता है 9, तो 90,000 डिवाइड बाय 9 × 4 एक आ जाएगा कितना 40,000, 30,000 है ना, तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी क्लोज हो गया राइट, जनरल रिजर्व क्लोज हो गया ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या करना है, इसे इसे क्लोज करना है, क्लोज करके कहां पे भेजना है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्लोज करना है तो क्या देंगे डेबिट, और रियलाइजेशन को क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितना 3 लाख,
ओके आगे, ये तो हो गया, ये साइड हो गई, लिख दिया राइट। असेट साइड, फिक्स असेट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्डरी डेटर्स, यहां पे आपको ये सोचना नहीं है कितने में बेचे गए, अभी तो क्लोज करके रियलाइजेशन में भेज दो, देन रियलाइजेशन में दिखाएंगे कितने में बेचे, कितने पैसे पे किए, ठीक है। तो बोलो कैसे क्लोज करेंगे, ये तीन अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट क्लोज करने के लिए, ठीक है, क्रेडिट देंगे क्लोज करने के लिए, क्या देंगे, क्रेडिट देंगे, तो यहां पे बोलो क्रेडिट देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट, क्या कहता है उसमें, कौन से वैल्यू से, बुक वैल्यू, जो बुक में अभी दिख रही है, कितने में बेचा उस प्राइस पे नहीं, हमें क्लोज करना है, क्लोज करके उस रियलाइजेशन में भेजना है। टू और क्या है, स्टॉक इन ट्रेड और टू डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड है 3 लाख ना, और ये कितना है 5 लाख, चलो क्योंकि एसेट की वैल्यू डेबिट साइड पे लिखी और बाद में एसेट सेल हो गई दिखाया क्रेडिट साइड पे, तो पता चलेगा प्रॉफिट में बेचे कि लॉस में बेचे, बाय बाय। तो हमने अभी एसेट क्लोज करके यहां पे बेच दिए, आगे उसका सेल दिखा देंगे, सेल दिखाने के बाद में पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्लियर। आगे बोलो, और क्या कैश इन हैंड का बैलेंस है ना, ठीक है, कैश का बैलेंस है, कितना बैलेंस है कैश का, 10,000, ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस होता है कैश इन हैंड में डेबिट साइड पे, टू बैलेंस बोलो कितना है, 10,000, ओके आगे। यस आगे क्या होगा, पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ओके, और फिक्स एसेट कितने में सेल की, 5,20,000, और बुक डेट्स कितने में, 4,40,000, मतलब अब अगर आप देखते हो तो आपके पास कैश कितनी आई, 5,20,000 प्लस 4,40,000, बराबर ना, कितने आ गए, 5,20,000 प्लस 4,40,000, 9,60,000, तो ये कैश आ गई, बैंक अकाउंट है नहीं यहां पे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्या सेल किया, 5,20,000 एसेट, फिक्स एसेट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिख रहा है, प्लस कितना है, 4,40,000 ना, क्या ये डेटर्स, एक ही इफेक्ट दिया, सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करना है अभी, सेकंड इफेक्ट कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, देखो ये दोनों एसेट वहां पे सेल हो रही है बाय कैश अकाउंट, 5,20,000 एसेट का मिल गया, और स्टॉक इन ट्रेड का, सॉरी सॉरी, डेटर्स कितना मिल गया, 4,40,000, तो कितना आता है, 9,60,000 मिल गया, दोनों इफेक्ट कंप्लीट हो गए, कैश के डेबिट साइड पे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे हो गए। आगे क्या हुआ है, आगे क्या हुआ, स्टॉक वे वैल्यूड एट 2,50,000, आज आज स्टॉक स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2,50,000, इट वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई, वाई ने टेक ओवर किया, सो वाई इज रिसीवर, वाई को देंगे क्या देंगे हम, डेबिट, वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट देंगे, और रियलाइजेशन को क्या देंगे, क्रेडिट, जैसे अभी एसेट बेचते हो हमने वैसे भी रियलाइजेशन को क्रेडिट दिया था, बट यहाँ पे लिखा था बाय कैश, क्योंकि कैश मिली थी, बट अभी वाई ने लिया तो वाई कैश दे रहा है क्या, नहीं, वाई उसके कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए बोलेगा, तो क्या बोलेंगे हम, वाई इज रिसीवर, वाई को डेबिट एंड क्या, रियलाइजेशन को क्रेडिट, तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट में है, इस वजह से क्रेडिट साइड पे लिखते हैं वाई बाय वाई इज कैपिटल अकाउंट, कितना 3 लाख, 2,50,000 एंड कैश की डेबिट साइड पे, सॉरी कैश नहीं, कैपिटल की डेबिट साइड पे टू वाई के कॉलम में लिखना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्रेडिटर्स को कितना पे किया,
कितना, 3,04,000। तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स को पे किया तो कैश से पैसा गया, कैश को क्रेडिट मिलेगा और रियलाइजेशन को डेबिट। रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे टू कैश कितना, टू कैश कितना, 3 लाख। अभी पहला क्वेश्चन है तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आगे लेवल बढ़ेगी ठीक है। तो आप समझ लो स्ट्रक्चर क्या है, अगर एक बार आपको स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया तो आगे एडवांस लेवल के एडजस्टमेंट में क्या होता है, सिर्फ आपको वो एडजस्टमेंट समझने हैं, बाकी तो स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अभी मैंने जो अकाउंटिंग पढ़ी दैट वाज बिफोर लेट अस से 20 20 21 ईयर्स अगो ठीक है। तब मैं वहां पे क्या कि रिजोल्यूशन मैंने जब पढ़ा था ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तब की बात बोल रहा हूं, तब भी स्ट्रक्चर सेम ही था, आज भी स्ट्रक्चर सेम ही है। क्या होता है, प्रॉब्लम्स में अमाउंट चेंज हो जाते हैं या एक हद दूसरा एडजस्टमेंट चेंज हो जाता है ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये पहले वहां पे समझ के लेते हैं। 5% डिस्काउंट है, बोलो आगे। कैश में क्या हो जाएगा, टू पैसे गए ना बाय, किसको पे किया, क्रेडिटर को, कितना, 3,04,000, 3,04,000। आगे और क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने, 6,000। एंट्री बताओ, कैश गई ना, कैश गई, कैश को क्रेडिट और रियलाइजेशन को डेबिट, तो कैश कैश अकाउंट में ही अभी तो यहां पे लिख देते बाय, कैश गई तो वो कैश को क्रेडिट मिलता है ना, क्रेडिट वोट गोज आउट, 6,000 एक्सपेंसेस, और यहां पे टू एक्सपेंसेस हो गया। इज इट क्लियर, कोई डाउट और कुछ बाकी है, हो गया ये सब हुआ ना। अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, हाँ रिलेशन अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, उसमें पता चला प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना आता है टोटल बताओ, कौन सी साइड ज्यादा है ये सबसे पहले बताओ, डेबिट ज्यादा है क्या, कितना, 16,10,000। जो साइड ज्यादा है उसकी टोटल दोनों साइड पे लिख देनी है 16,10,000, और उसमें से क्या करना है, जो लोअर साइड पे अमाउंट से वो लेस करने ताकि डिफरेंस पता चल जाए। तो बोलो बाय बाय, कितना लॉस, ये क्या है, लॉस है। अच्छा कैसे जाएगा, कैसे जाएगा उनके रेशो में ना, रेशो क्या है यहां पे, एक्स वाई जेड ब्रेकअप कर देते हैं लॉस अमाउंट का, बोलो 4:3:2 में ना, तो 80,000 डिवाइड बाय 9, 80,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 कर दो तो आपको मिलेगा एक्स का कितना, 35,000, 55। आगे वाई का कितना आएगा, 80,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 ना, कितना, 666 ना, और आगे बोलो 17,770, 5 और 6 78 ना, 806 कितना, फिर भी आ रहा है ना फर्क, ये 6 7 कर दो ना, मतलब राउंड ऑफ फ्रैक्शन की जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 1 रुपए का फर्क आ जाता है, 1 रुपए कहीं पे एडजस्ट कर दो। ये लॉस है, लॉस कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आया, उसे कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू रियलाइजेशन लॉस कितना,
35 हो गया। अभी बताओ, अकाउंट हम क्लोज करेंगे, बाकी सब हो चुका है, अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो पता चलेगा किसको कितना देना है या लेना है। सभी केसेस में देखो, सभी लोग देखो, यहां पे एक क्रेडिट साइड कितनी है 4,40,000, डेबिट साइड कितनी है 35,000, मतलब क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब क्या बनता है? पार्टनर वॉज गिवर, पर्सनल अकाउंट है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर क्या था? गिवर, और इस वजह से उसे क्रेडिट दिया था पहले, मतलब उसका पैसा फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसे पैसा वापिस करना पड़ेगा। तो आप देखो यहां पे कितना था, 4,40,000, इसका दूसरे कितना है 3,00,000, तीनों का भी क्रेडिट साइड ही ज्यादा है तो कुछ लाने की जरूरत है, उनको पैसे वापस करने, ठीक है। और कितना, 2,20,000, 2,40,000, 3,30,000 एंड 2, क्या बोलेंगे, 2 कैश अकाउंट, पैसे देंगे, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कितना किसका बन रहा है, एक्स का 4,04,000, 4,45,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। आगे 53,333 एंड इसका 2,02,222। अब ये कहां पे जाएगा, कैश में दिखाई देंगे ना, गया पैसा, हमने पार्टनर को पेड दिखाया तो कैश में भी दिखाना पड़ेगा ना पैसा गया है, तो यहां पे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट बाय कितना है, 445। आगे बोलो, टैली हो रहा है कितना, 9,00,000 टैली हो रहा है ना, टैली हो गया, मतलब जितना पैसा था उतना सब पे कर दिया, अब सभी अकाउंट क्लोज हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया और बैंक कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया। हो गया, डन, कोई डाउट है? अभी ये थोड़ा सा लेंदी है कंपैरेटिवली, जैसा मैंने बोला कि लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। देखो यहां पे क्या दिया है, बुक डेप्स कितना है 60,000, सेकंड क्वेश्चन में बुक डेप्स कितना है 60,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है 6,000, मतलब ये दोनों अकाउंट कौन से है, अलग अलग है। डेटर्स से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस कर रहे हैं, मतलब दोनों भी एसेट नहीं होगी ना, अगर दोनों एसेट होती तो क्या हो जाता, एड होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बुक डेप्स ये एसेट है, मतलब डेटर्स इसको डेबिट बैलेंस है, और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको क्रेडिट बैलेंस है, इसी वजह से लेस हो रहा है, अपोजिट है इसी वजह से लेस हो रहा है, ठीक है, समझा, कोई डाउट है? बाकी स्टॉक है, बैंक है, कैपिटल विड्रॉन, ओ कैपिटल विड्रॉन, ये कैपिटल कितने पार्टनर्स है, अमित है, सुमित है, कुमार है,
अमित सुमित कुमार, अमित का कितना है 55 200, सुमित का 55 200 एंड एंड कुमार का क्या है एसेट साइड पे दिया है, मतलब ये क्या है एसेट साइड पे दिया, मतलब क्या है डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या, देखो जब जब वो पैसे बिजनेस में लाते थे तब हम उनको क्या देते थे क्रेडिट। मान लो एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, ठीक है कोई है कुमार, ठीक है कुमार का वहां पे एग्जांपल लेके चलते हैं, वो स्टार्टिंग में पैसे लेके आया, स्टार्टिंग में पैसे लेके आया 1 लाख, तो हमने क्या किया हिज गिवर 1 लाख हिज गिवर भाई, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया होगा क्रेडिट, क्रेडिट गिवर, ठीक है तो यहां पे क्रेडिट साइड पे क्या लिखा होगा बाय कैश 1 लाख। अभी मैं इस अकाउंट का अगर बैलेंस निकालूं तो बैलेंस क्या निकलेगा यहां पे 1 लाख आ जाएगा भाई, बाकी कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ मान लो उस साल में 1 लाख, तो आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1 लाख, देन ये टोटल के नीचे आ जाएगा। अपोजिट साइड पे क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो बैलेंस बचता है ना, जो बाकी बचता है वो उस साइड से बचता है जो ज्यादा थी, यहां पे कौन सी साइड ज्यादा थी क्रेडिट, ठीक है ये सिर्फ क्रेडिट और डेबिट में डिफरेंस कितना है 1 लाख, ये डिफरेंस है बैलेंस नहीं दोनों साइड का डिफरेंस है, ये जो 2 बैलेंस कैरिड डाउन ये क्या डिफरेंस है, देन मैं उसे उस साइड पे लूंगा जिस साइड से बचा हुआ है, कौन सी साइड से बचा हुआ है क्रेडिट से, समझे ना, जो साइड ज्यादा है वहां से बचेगा, जहां पे है ही नहीं वहां से कैसे बचेगा, समझा, ठीक है समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है मतलब मेरे अगर पॉकेट में 0 रुपीज है, ठीक है तो कितना बचेगा 0 ही बचेगा, और मेरे पास 100 है तो जो 100 है उसमें से मैं कुछ खर्च करूंगा तो बाकी बचेगा, मतलब जहां पे कुछ होगा वहां से बचेगा, तो कहां पे था पहले ये क्रेडिट साइड पे था, तो 1 लाख कहां से बचाए डेबिट से बचाए क्रेडिट से बचाए क्रेडिट से, इस वजह से उसे हम सही साइड पे लेके आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1 लाख, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, क्यों क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि उसने जब जब जरूरत थी तब पैसे दिए थे, ही वाज गिवर क्रेडिट द गिवर, तो हमने क्रेडिट दिया था, तो जो बचा है बैलेंस जो है बाकी जो है वो कहां से क्रेडिट से उसने दिया था उसमें से। अभी अगले साल उसने बोला कि हमें पैसों की जरूरत है या लॉस हो गया, जो भी हो गया उसने किसी वजह से विड्रॉ कर दिया, मतलब डेबिट रिसीवर डेबिट हो गया कितना या लॉस, हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं ना, कितना डेबिट हो गया मान के चलते 1,50,000। अभी हुआ क्या कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है डेबिट, कहां से बचेगा, कहां से बचेगा डेबिट से, ठीक है अभी उसने जो 1 लाख लाए थे वो तो गए वापस गए, ऊपर एक्स्ट्रा 50,000 वहां पे उसको रिसीव हो गए किसी वजह से, ठीक है तो हम क्या करते हैं यहां पे, तो यहां पे क्या लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 50,000 बैलेंसिंग फिगर, और यहां पे डेबिट साइड पे 2 बैलेंस 50,000, ठीक है तो कौन सा बैलेंस आ गया डेबिट, ये डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट का मतलब क्या है, ही वाज रिसीव एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश, अच्छा जो डी का, सब लोग ध्यान सुनना, डी का जो लोन है कितना लोन है 1,20,000, उसके लिए उसने क्या एक्सेप्ट किया हाफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब 45,000 में से आधी प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट की और प्लस 7,500 कैश, अच्छा मतलब उसने आधी प्लांट एंड मशीनरी कितने में ली, देखो 45,000 कितना है उसका डी 1,20,000 है ना, तो उसके आधे लोन के लिए बोल रहे हैं ना, याद रखना 1,20,000 डी का लोन है, 1,20,000 डी का लोन है, हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी पूरी है आधे लोन के लिए पूरी, हाँ समझा ना, 45,000 की प्लांट एंड मशीनरी उसने रख ली, ठीक से पढ़ना, फॉर हाफ ऑफ हिज लोन, उसका लोन कितना है 1,20,000, उसका आधा कितना था 60,000, उसके लिए उसने क्या लिया अपने पास से प्लांट एंड मशीनरी प्लस 7,500 का क्या कैश, मतलब कितना दिया एक्चुअली हमने 45,000 का हमने क्या दिया मशीन, 7,500 का कैश, कितना दिया 52,500, मतलब 60,000 की बजाय हमने 52,500 पे किया, उसने एक्सेप्ट कर लिए तो 7,500 क्या हो गया रिमेनिंग अमाउंट, ये क्या है अपना फायदा है ना, कम देना पड़ा, तो ये क्या करना पड़ा कम देना पड़ा, तो इसके भी एक लिख लेते हैं, लिख देना वहां पे पेमेंट फॉर डीज लोन, बाकी और कुछ एडजस्टमेंट है कि एक बार देख लेते हैं इसके ऊपर, रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड फॉर 10% डिस्काउंट, ठीक है बाकी अमाउंट पे की आगे बोला है ये छोड़ा नहीं उसने, ओके हम खुश हो गए थे, हम पार्टी करने चल रहे थे कि अरे फायदा हो गया 7,500, बाकी के अमाउंट ली उसने बोला कि बाकी के अमाउंट देनी है सिर्फ 10% में डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है चलो पेमेंट
टू डी पेमेंट ऑफ क्या है? कितना है एज पर बैलेंस शीट? 1,20,000। लेस प्लांट एंड मशीनरी। क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या? प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 45,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी मिली? 45,000 पूरी। ठीक है, तो हाफ ऑफ द अमाउंट वहां पे एडजस्ट करना है हमें। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिख देंगे 45,000 माइनस कैश पेड 7,500। 7,500 यहां पे ये प्लस करना है, इनर कॉलम में चल रहा है ना। कितना? 52,500। 52,500 एंड पेड फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ अमाउंट। सिक्सटी थाउजेंड तो यहां पे कितना फर्क पड़ रहा है? इसके लिए क्या बोला है? ये जो फर्क है वो नहीं, वो 10% तो रिमेनिंग के लिए बोला है ना। रिमेनिंग मतलब कितना आता है? देखो, फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 इन कैश। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब रिमेनिंग मतलब कौन सी लेनी है? 60,000। रिमेनिंग कौन सी लेनी है? 60,000। ठीक है, तो रिमेनिंग मतलब ऊपर उन्होंने बोला कि आधे के लिए तो उसने ये दो चीजें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बाकी जो आधा है वो उसने कैसे एक्सेप्ट किया? एट 10% डिस्काउंट। क्लियर? 10% डिस्काउंट पे। तो ये तो 7,500 अपना फायदा ही मानना पड़ेगा। 7,500 के लिए कुछ अलग से बताया नहीं है। क्लियर? तो यहां पे लिखो 7,500 एंड रिमेनिंग रिमेनिंग 50% क्या हो गए? पेड एट 10% डिस्काउंट। कितना आता है? 60,000 माइनस डिस्काउंट 10% कितना आता है? 6,000। तो कितना आ जाएगा?
तो यहां पे 7500 कैश पे की है, नहीं यहां पे ऊपर 7500 कैश पे की है, यहां पे दिख रहा है ये 7500 कैश पे की है, और अभी यहां पे कितने पे की है 54, इतनी कैश पे की है। और क्या दिया है, मशीनरी कितनी दी है 45,000 की मशीनरी उनको दे दी है, मशीनरी पे मतलब पेमेंट के बदले में मशीनरी दी है। क्लियर डन। और फिर से एक बार बता दूं क्या हुआ है, 1,20,000 में से आधा जो है कितना एडजस्टेड फॉर 60,000, कितना 45,000 प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश, तो 7,500 देना नहीं पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि बाकी जो है, बाकी मतलब कौन सा बाकी, 60,000 पहले मशीन और 7,500 में एडजस्ट हो गया, और बाकी 60,000 किस पे 10% डिस्काउंट पे। क्लियर, तो यहां पे ऐसा हो गया। और क्या एडजस्टमेंट है देखो, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, दैट विल बी सेम, एंट्री जो करनी है डेबिट देना है क्रेडिट देना है वो सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज होने वाली है, इस वजह से अमाउंट पहले समझ लो। बिल्स पेबल वेर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ वन मंथ आफ्टर 31 मार्च 2022, बट दे वेर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च एट 6% डिस्काउंट पर एनम। तो हुआ क्या है, जो बिल्स पेबल है वो कब ड्यू थे, वो कब ड्यू थे, वन मंथ आफ्टर 31 मार्च, बट हम कब पेमेंट करें 31 मार्च को, मतलब एक महीना पहले की बात में कब पेमेंट कर रहे हैं। बिल्स पेबल वेर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ वन मंथ आफ्टर 31 मार्च, कब ड्यू थे पेबल आफ्टर 31 मार्च, बट हम कब पे कर रहे हैं इमीडिएटली ऑन 31 मार्च, तो हम पहले पे कर रहे हैं या बाद में पे कर रहे हैं, पहले कितने दिन पहले, एक महीना। तो जब हम एक महीना पहले पेमेंट करते हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिल रहा है 6% पर एनम, साल का 6% है, ठीक है। तो 6% पर एनम से हमें कैलकुलेट करना है उस एक महीने का कितना हमें डिस्काउंट मिलेगा, उतना लेस करके बाकी जो है वो हम पे कर देंगे। तो यहां पर अमाउंट पे पेड टू अमाउंट गिवन एज पर, बोलो कितना है, कितना 6% है ना, 6% कितने दिन का है, 6% किसने कितने दिन का है, 12 मंथ्स का, बराबर पर एनम है 12 मंथ्स का है, तो डिवाइड बाय 12 उससे क्या मिलेगा 1 मंथ का, और हमें 1 मंथ का ही चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, अगर वहां पे 2 महीने का बताया होता, 2 महीने जल्दी पेमेंट किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना आता है बोलो, तो कितना देंगे हम 11,940 ना, बताओ एक बार, चलो अभी कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं हमें, रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा याद रखना क्योंकि ज्यादा आइटम्स है, एडजस्टमेंट्स है, थोड़ा सा लास्ट टाइम बनाया था उसके लगभग 1.5 से 2 गुना वहां पे बनेगा। समझा, यहां पे क्या हो गया, डेबिट जो है वो कितना है, हमने डिफरेंस निकाला, क्रेडिट साइड कितनी थी, फिर से डेबिट साइड कितनी थी 1,50,000, क्रेडिट कितना है 1 लाख, तो 50,000 का डेबिट से बाकी है ना,
तो हमने डेबिट साइड पे ले लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 50,000, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 50,000। इसका मतलब क्या है, उसने फर्म को पैसे दिए है ज्यादा या फर्म का पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे, फर्म का पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, ही इज रिसीवर बाय 50,000, समझा, या उसके पास से फर्म 50,000 कलेक्ट कर लेगी फ्यूचर में। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, एसेट साइड पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि किसी वजह से आपके मतलब बिजनेस में ज्यादा लॉसेस हो गए तो आपका कैपिटल तो पूरा जीरो हो गया लॉसेस डेबिट होने से, प्लस एडिशनल लॉसेस वहां पे हो गए जिसकी वजह से आपने फर्म में उल्टा पैसे लाने चाहिए, आपके पास से रिसीवेबल है। हम डेटर जब एसेट साइड पर लिखते हैं तो क्या होता है, डेटर जब एसेट साइड पर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, उनसे पैसे लेने हैं, वैसे ही कैपिटल अकाउंट जब एसेट साइड पर लिखते हैं तो क्या होता है, पार्टनर से पैसे लेने हैं उतने, और जैसे क्रेडिटर लिखते हैं लाइबिलिटी साइड पे तो हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, समझा, वैसे ही यहां पे पैसे क्या करने हैं, देने हैं। ऑनलाइन में डिस्कनेक्ट हो गए, डोंट नो व्हाई। चलो समझा डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है, कोई डाउट है, कंटिन्यू कर लेते, ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो गया, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया अभी मैंने, बाकी का पार्ट रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है, चलो पहले वाले लेक्चर के साथ कनेक्ट करके एक साथ डाल देंगे, तो कंटिन्यू कर लेते हैं, आपको तो कोई इशू नहीं यहाँ पे, क्या है यार डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो आप भी, नहीं हमें भी थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील हो रहा है सर, ठीक है, होगा ही, 2 दिन छुट्टी जो पड़ी, छुट्टी के बाद में डिसकनेक्टेड फील होता ही है ऐसा, आज जाने का मन ही नहीं करता सर, जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए छुट्टी नहीं देता मैं, इसीलिए से संडे को भी क्लास रखनी चाहिए, संडे को छुट्टी क्यों देते पता नहीं, है ना, ताकि कभी भी आपको डिस्कनेक्टेड फील ना हो। मंडे के दिन ऐसा होता था ना हमेशा स्कूल, मंडे को यार अभी मन ही नहीं जाने का, ठीक है, होता था वैसे, तो वो छुट्टी का प्रॉब्लम छुट्टी का है, छुट्टी लेनी नहीं चाहिए, ठीक है, अगले अगले बार से छुट्टी देना बंद कर देते हैं संडे को, आपके मन की बात मैंने सुन ली, चलो हाँ नेक्स्ट, आदित्य यस यस बोल रहा है, आदित्य बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जब चाहे तब छुट्टी लेता हूँ, आप ले लो मैं छुट्टी ले लूंगा। चलो यहाँ पे बाकी बाकी जो है क्या है, यहाँ पे जनरल रिजर्व है वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कुमार्स लोन, ये कौन है, कुमार कौन है, ये नाम कहीं सुने लगता है, पार्टनर है ना, तो इसको इसका लोन वापस करना है, बट लोन कब वापस होगा, बाकी बाकी जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी उनको पहले पे कर देंगे। लोन फ्रॉम डी, डी कौन है, डी फॉर डी फॉर डॉग, हाँ तो इसका इसका पैसा, ये थर्ड पर्सन है कोई तो होगा, डी पार्टनर तो नहीं है, ओके ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी ये लाइबिलिटीज है क्लोज करके रियलाइजेशन में भेज देंगे, एसेट क्लोज करके रियलाइजेशन में भेज देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 18,000, आउट ऑफ विच 3,000 वॉज बॉर्न बाय अमित, 18,000 में से 3,000 वॉज बॉर्न बाय अमित, ओके 18,000 में से 3,000 वॉज बॉर्न बाय अमित, याद रखना 18,000 पे हो गए उसमें से 3,000 अमित ने दिए, बाकी 15,000 हमारे कैश या बैंक अकाउंट से गए होंगे, 3,000 अगर अमित ने दिए तो बाकी जो है वो 15,000 कहां से गए होंगे, हमारे बैंक अकाउंट से गए होंगे। और क्रेडिटर अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, क्रेडिटर बोल रहे हम 12,000 में फर्नीचर ले रहे, ठीक है 12,000 में आपका फर्नीचर ले, नहीं 12,000 बुक वैल्यू का फर्नीचर 10,800 मिलेंगे, ठीक है, मतलब क्रेडिटर रिसीवर बन जाएंगे यहां पे, क्लियर। द रेस्ट ऑफ द रेस्ट, ये वर्ड कनेक्ट हो गया, द रेस्ट अलग अलग है, द रेस्ट, रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वे पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%, ठीक है, रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स है वो कितने पे 6.25% डिस्काउंट पे हो गए, कितने बचेंगे रिमेनिंग क्रेडिटर्स, वैसे क्रेडिटर्स कितने हैं, 30,000 है, आप बताओ कितने बचेंगे, कितना पे करना पड़ेगा ये बताओ, कितना 18, सब एडजस्टमेंट करके, बाकी बाकी सभी लोग देख लो, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं होता है ये दुनिया आजकल जो है।
क्या आपने कभी किसी पे भरोसा किया? किया। क्या उसने आपका कार्ड दिया? दिया। ठीक चलो। कितना आया बोलो? 18। बाकी लोगों का 18 नहीं आया? क्या बात है, भरोसा है। हाँ ठीक है चलो। पहले तो कुछ कैलकुलेशन से वो कैलकुलेशन समझ लेते, बाकी जो इंट्रीज है, इंट्रीज वाले भी मतलब जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है वो तो वैसा ही बनाना है, उसमें कुछ चेंज वहां पे प्रिंसिपली कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो पहला पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट है वन। पेमेंट टू क्रेडिटर, एज पर बैलेंस शीट कितना है? ट्रेड क्रेडिटर 30,000। चलो, उनको हमने क्या दिया? फर्नीचर, फर्नीचर टेकन ओवर कितने में? सर 12,000 नहीं, 12,000 उसकी प्राइस थी, बट उन्होंने बार्गेन किया और कितने में लिया? 10,800। तो जिस प्राइस पे उन्होंने लिया उतने ही कट करेंगे ना उनके अकाउंट से पैसे। फर्नीचर टेकन ओवर कितना है? 18,000, सॉरी 10,800। सॉरी कितना रेमेनिंग ना? ये बैलेंस। नेक्स्ट माइनस क्या होगा? हाँ कितना? 1,900 के ऊपर 6.25% कितना होता है? 6.25% कितना आता है? 1,200 कितना आता है? 18,000। समझा? नेक्स्ट और क्या बताया देख लेते हैं, ये तो एक एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 में से 3,000 अमित ने दिए, याद रखना 15,000 अपने बैंक अकाउंट से गए होंगे राइट। उसके बाद में फर्नीचर, रिमेनिंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय कुमार एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ, नहीं बुक वैल्यू फर्नीचर के लिए था, ये स्टॉक नीचे चाहिए, ये स्टॉक नीचे चाहिए, यहाँ पे गलती से ऊपर गया, उसने बोला कि नहीं मुझे वैल्यू के साथ चिपकना है, ठीक है यहाँ पे चाहिए स्टॉक, समझे ना? गलती से ऊपर गया, क्लियर? नीचे लाओ उसे। ओके, रिमेनिंग टेकन ओवर बाय कुमार एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो फर्नीचर का, चलो फर्नीचर का बता दे, फर्नीचर कुमार ने कितने में लिया? फर्नीचर टेकन ओवर बाय कुमार, कुमार बोलो टोटल कितना है? 25,000 लेस 25,500 लेस टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर बाय
क्रिटर ना, कितना 10,800 या 12,000? 12,000 का 10,800 मिलिया, अपने पास से फर्नीचर कितने का गया, कितने का गया? 12,000। देखो मैं, मेरे पास की कोई चीज है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का है, 30,000 का, 30,000 का, उसमें से मैंने 15,000 का स्टॉक निकाला और मेरे दोस्त आ गए तो उसको बोला कि ठीक है तो सस्ते में लेके जा, 10,000 में लेके जा, बराबर। तो मेरे पास स्टॉक कितना बचा है, स्टॉक कितना बचा है, 30,000 का मेरे पास स्टॉक था, उसमें से मैंने 15, आधा स्टॉक निकाला और आधा 15,000 का होता है, 15,000 का, बट मेरा दोस्त था तो उसने बोला कि यार सस्ता सस्ते में दे दे, तू जितना कर सकता है, तो मैंने उसे बहुत कम करके 10,000 में दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास स्टॉक कितना बचा है, 15,000 ना, समझ में आ गया ना, मतलब भले उसने 10,000 मुझे दिए बट मेरा स्टॉक तो 15 का गया ना, वैसे ही फर्नीचर जो गया वो 12,000 का है, भले उसने 10,800 ही दिए, तो इस वजह से फर्नीचर से लेस करते वक्त 12,000 लेस करना है, समझा? हाँ 500 है, ठीक है, हो गया, कोई डाउट? नहीं डाउट, नो। तो कितना बचेगा बोलो, वो कितने में लिया, लेस 90% पे लिया ना कुमार ने, डिस्काउंट ऑफ 10% टू कुमार। ये स्टूडेंट से गलती हो जाती है, स्टूडेंट गलती से यहां पे 10,800 लेस करते हैं, ठीक है। कितने का गया वो फर्नीचर से लेस होना चाहिए 12,000 का, कितना आता है बोलो, 1,350, तो बचेगा कितना, 12,000, ओके हो गया, कोई डाउट है? नेक्स्ट और क्या है? बुक डेप्स क्या किया, 12,000 ऑफ द डेप्स प्रूव बैड, रिमेनिंग वेयर फुल्ली रियलाइज, मतलब 12,000 के डेटर्स नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे डेटर्स, पैसे कितने देंगे डेटर्स, अगर 60,000 है उसमें से 12,000 नहीं मिल रहा है, मतलब कितने मिल रहा है, कितने मिलेंगे, 48,000। इसके लिए कोई कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, प्लेन है, ओके, इतना पैसा आपको क्या होने वाला है, मिलने वाला है, क्लियर। आगे नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग से कितने वाला, 1,65,000। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अमित एट 15% डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट कितने मिली, 15% डिस्काउंट, पर 15,000 में से 15% लेस करना पड़ेगा, उसने प्राइस पे लिया, कितने प्राइस पे बोलो, 12,700, 15,000 से 50% लेस किए ना, 15,15। आगे, फॉर हाफ हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश। अच्छा, जो डी का, सब लोग ध्यान सुनना, डी का जो लोन है कितना लोन है, 1,20,000, उसके लिए उसने क्या एक्सेप्ट किया, हाफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब 45,000 में से आधी प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट की, और प्लस 7,500 कैश। अच्छा, मतलब उसने आधी प्लांट एंड मशीनरी कितने में ली, देखो 45,000 कितना है उसका, डी 1,20,000 है ना, तो उसके आधे लोन के लिए बोल रहे हैं ना, याद रखना 1,20,000 डी का लोन है, 1,20,000 डी का लोन है, हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी पूरी है, आधे लोन के लिए पूरी, हाँ समझा ना, 45,000 की प्लांट एंड मशीनरी उसने रख ली, ठीक से पढ़ना, फॉर हाफ ऑफ हिज लोन, उसका लोन कितना है 1,20,000, उसका आधा कितना था 60,000, उसके लिए उसने क्या लिया अपने पास से, प्लांट एंड मशीनरी प्लस 7,500 का क्या कैश, मतलब कितना दिया एक्चुअली हमने, 45,000 का हमने क्या दिया मशीन, 7,500 का कैश, कितना दिया 52,500, मतलब 60,000 की बजाय हमने 52,500 पे किया, उसने एक्सेप्ट कर लिए, तो 7,500 क्या हो गया रिमेनिंग अमाउंट, ये क्या है अपना,
फायदा है ना, कम देना पड़ा। तो ये क्या करना पड़ा, कम देना पड़ा, तो इसके भी एक लिख लेते हैं, लिख देना वहां पे, पेमेंट फॉर डीज लोन। बाकी और कुछ एडजस्टमेंट है कि एक बार देख लेते हैं इसके ऊपर। रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड फॉर 10% डिस्काउंट, ठीक है, बाकी अमाउंट पे की, आगे बोला है ये छोड़ा नहीं उसने। ओके, हम खुश हो गए थे, हम पार्टी करने चल रहे थे कि अरे फायदा हो गया, फायदा हो गया 7,500। बाकी के अमाउंट लिए उसने बोला कि बाकी के अमाउंट देने हैं, सिर्फ 10% में डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, चलो, पेमेंट टू डी, पेमेंट ऑफ क्या है, कितना है एज पर बैलेंस शीट, 1,20,000। लेस प्लांट एंड मशीनरी, क्या हुआ, हाँ ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, क्या प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 45,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी मिली, 45,000 पूरी। ठीक है, तो हाफ ऑफ द अमाउंट वहां पे एडजस्ट करना है हमें। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिख देंगे, 45,000 माइनस कैश पेड 7,500, 7,500। यहां पे ये प्लस करना है ना, कॉलम में चल रहा है ना, कितना 52,500, 52,500। एंड पेड फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ अमाउंट, सिक्सटी थाउजेंड। तो यहां पे कितना फर्क पड़ रहा है, इसके लिए क्या बोला है, ये जो फर्क है वो नहीं, वो 10% तो रिमेनिंग के लिए बोला है ना, रिमेनिंग मतलब कितना आता है, देखो, फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 इन कैश, द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब रिमेनिंग मतलब कौन सी लेनी है, 60,000। रिमेनिंग कौन सी लेनी है, 60,000। ठीक है, तो रिमेनिंग मतलब ऊपर उनने बोला कि आधे के लिए तो उसने ये दो चीजें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बाकी जो आधा है वो उसने कैसे एक्सेप्ट किया, एट 10% डिस्काउंट। क्लियर, 10% डिस्काउंट पे। तो ये तो 7,500 अपना फायदा ही मानना पड़ेगा, 7,500 के लिए कुछ अलग से बताया नहीं है। क्लियर, तो यहां पे लिखो 7,500 एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग 50% क्या हो गए, पेड एट 10% डिस्काउंट।
कितना आता है, 60,000 माइनस डिस्काउंट 10%, कितना आता है 6,000, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 7,500 कैश पे की है, नहीं यहाँ पे ऊपर 7,500 कैश पे की है, यहाँ पे दिख रहा है, ये 7,500 कैश पे की है, और अभी यहाँ पे कितनी पे की है, 54, कितनी कैश पे की है, और क्या दिया है, मशीनरी कितनी दी है, 45,000 की मशीनरी उनको दे दी है, मशीनरी पे मतलब पेमेंट के बदले में मशीनरी दी है, क्लियर डन। और फिर से एक बार बता दूं क्या हुआ है, 1,20,000 में से आधा जो है कितना एडजस्टेड फॉर 60,000, कितना 45,000 प्लांट एंड मशीनरी, 7,500 कैश, तो 7,500 देना नहीं पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि बाकी जो है, बाकी मतलब कौन सा बाकी, 60,000 पहले मशीन और 7,500 में एडजस्ट हो गया, और बाकी 60,000 किस पे, 10% डिस्काउंट पे, क्लियर। तो यहां पे ऐसा हो गया, और क्या एडजस्टमेंट है देखो, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, दैट विल बी सेम, एंट्री जो करनी है, डेबिट देना है क्रेडिट देना है वो सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज होने वाली है, इस वजह से अमाउंट पहले समझ लो। बिल्स पेबल वेर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ वन मंथ आफ्टर 31 मार्च 2022, बट दे वेर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च एट 6% डिस्काउंट पर एनम। तो हुआ क्या है, जो बिल्स पेबल है वो कब ड्यू थे, वो कब ड्यू थे, वन मंथ आफ्टर 31 मार्च, बट हम कब पेमेंट करें, 31 मार्च को, मतलब एक महीना पहले की बात में कब पेमेंट कर रहे हैं, बिल्स पेबल वेर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ वन मंथ आफ्टर 31 मार्च, कब ड्यू थे पेबल, आफ्टर 31 मार्च, बट हम कब पे कर रहे हैं, इमीडिएटली ऑन 31 मार्च, तो हम पहले पे कर रहे हैं या बाद में पे कर रहे हैं, पहले, कितने दिन पहले, एक महीना, तो जब हम एक महीना पहले पेमेंट करते हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 6% पर एनम, साल का 6% है, ठीक है, तो 6% पर एनम से हमें कैलकुलेट करना है उस एक महीने का कितना हमें डिस्काउंट मिलेगा, उतना लेस करके बाकी जो है वो हम पे कर देंगे। तो यहां पे अमाउंट पे पे टू अमाउंट गिवन एज पर, बोलो कितना है, कितना 6% है ना, 6% कितने दिन का है, 6% किसने कितने दिन का है, 12 मंथ्स का, बराबर पर एनम है, 12 मंथ्स का है, तो डिवाइड बाय 12, उससे क्या मिलेगा, 1 मंथ का, और हमें 1 मंथ का ही चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, अगर वहां पे 2 महीने का बताया होता, 2 महीने जल्दी पेमेंट किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना आता है बोलो, तो कितना देंगे हम, 11,940 ना, बताओ एक बार, चलो अभी कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं हमें, रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट,
रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा, याद रखना, क्योंकि ज्यादा आइटम्स है, एडजस्टमेंट्स है, थोड़ा सा लास्ट टाइम बनाया था उसके लगभग 1.5 से 2 गुना वहां पे बनेगा। चलो सभी एसेट्स क्लोज कर दो, और क्लोज करके कहां पे भेजने, रियलाइजेशन में कौन कौन से एसेट्स है। एसेट्स तो लाइबिलिटीज क्लोज कर दो, तो कैपिटल अकाउंट तो कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जनरली जो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलो पहले कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं, बाय बैलेंस कितना है बताओ, ब्रॉट डाउन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है ना, अमित और सुमित कितना है, 55 200, 55 200, और कुमार का क्या है, डेबिट बैलेंस है ना, एसेट साइड पे मतलब डेबिट बैलेंस है, तो यहां पे क्या है, टू बैलेंस। सिक्वेंस में एंड में आया तो हम पहले लाइबिलिटी साइड उठा लेंगे देन एसेट साइड, बट अभी याद है तो लिख देते हैं, याद है सिक्वेंस में एसेट साइड में एंड में आ ही जाता, क्लियर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है, हो गया आगे बताओ, ये हो गया, ये हो गया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कौन से रेशो में बांटे, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना है, 2:2:1, तो 61,500 डिवाइड बाय 5, 2:2:1 मतलब 5 हिस्से बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो किसका आ जाएगा, अमित और सुमित का, और मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो ठीक है। चलो यहां पे बाएं जनरल रिजर्व कितना आता है, 24,600, 24,600 और 12,300, ओके आगे क्या है,
कुमास लोन अभी आप देखो कुमार कौन है, अपना पार्टनर है ना, उसका तो पैसा आना बाकी है ना, उसको उसने हमें लोन भी दिया है, तो अभी एक काम करेंगे उसका लोन ट्रांसफर करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, तो एक साथ ही सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी बचेगा एक साथ ही पे कर देंगे या लेंगे उसके पास से, अगर उसको देना बनता है एंड में तो दे देंगे, और एंड में अगर उससे लेना बनता है तो ले लेंगे, बट वहां पे ये जो कुमार है, यहां पे जो कुमार दिख रहा है, कुमार ने हमारे पास से 3,200 एक्स्ट्रा विड्रॉ किया इन शॉर्ट किसी भी फॉर्म में, क्लियर, और उसने हमें लोन अलग से 15 का दिया है, मतलब कुमार के पास से मान लो आपने 32,000 रुपीज, 32,000 कुमार ने आपके पास से लिए है और 15 आपने उसके पास से लिए, तो क्या करोगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे, उसके पास से अलग से 32 लेंगे एंड दूसरे दिन जाके 15,000 देंगे, एडजस्ट कर लेंगे ना, कितना एडजस्ट कर लेंगे, हम बोलेंगे तेरे पास से 32 आने बाकी है, 15 देने बाकी है, तो 17,000 डायरेक्टली मुझे दे दे, हिसाब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो वही है, ठीक है। तो कुमार का जो लोन है हम ट्रांसफर करें कहां पे, कुमार का लोन है रियलाइजेशन अकाउंट में मत भेजो, क्योंकि वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है जिसको हम पेमेंट करने वाले, उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने वाले, ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर कुमार का लोन आपने क्यों नहीं भेजा, क्योंकि कुमार पार्टनर है, और उसके लिए कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहां पे कुमार लोन को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो उसे डेबिट देंगे, और किसे क्रेडिट देंगे, क्रेडिट किसे देंगे, कुमार कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, तो यहां पर लिखो बाय कुमार लोन, ऊपर नीचे लिखा तो भी चलेगा, मतलब जर्नलिज्म के नीचे या ऊपर, कितना है 15,000 ना, कुमार में लिख दू। अब अच्छा लोन फ्रॉम डी, ये क्या है, पार्टनर का लोन है या थर्ड पर्सन का है, ये किसका है, थर्ड पर्सन का है ना, मतलब आगे के जो है लोन फ्रॉम डी हो, ट्रेड क्रेडिटर्स हो, बिल्स पे बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, ये सभी थर्ड पर्सन के पेमेंट्स है, तो ये हम रियलाइजेशन में भेज देंगे, एज वेल एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है ना, ठीक है। इससे भी डेबिट देके कहां पे भेजेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। इन सभी अकाउंट को कौन से बैलेंस है बोलो, 1, 2, 3, 4 और प्रोविजन 5, कौन से क्रेडिट बैलेंस है, इसे क्लोज करने के लिए क्या देना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा इन अकाउंट को, और किसको क्रेडिट देना पड़ेगा, रियलाइजेशन को, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाके एक एक करके लिख देंगे बाय, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे बाय, बोलो कौन कौन से, लोन फ्रॉम डी कितना 1 लाख, और बाय क्रेडिटर्स कितना 30, बाय कितना है, और कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी, और बाय प्रोविजन, कितना है 6,000, चलो लाइबिलिटी साइड सब हो गई। देखो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, समझ में आ गया ना, पहले कैपिटल किया, जनरल रिजर्व किया, कॉमर्स लोन किया, एक एक करके लाइबिलिटी साइड, अभी एसेट साइड पे जाएंगे। एसेट में क्या क्या है, ये सभी एसेट क्लोज करने कहां पे भेजने, सिर्फ बैंक को छोड़ के, लैंड प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, ये सभी कहां पे भेजना है, रियलाइजेशन में। इनको कौन सा बैलेंस होता है, इन सभी एसेट्स को डेबिट, क्लोज करने के लिए क्या देंगे क्रेडिट, और रियलाइजेशन के लिए डेबिट, मतलब एसेट को क्रेडिट कर दिया तो वो कहां पे जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। तो यहां पे लिखो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे 2, क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप प्रॉपरली लिखना, यहां पे शॉर्ट में लिखा तो एग्जाम में प्रॉपरली लिखते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1,35,000, आगे बोलो 2, प्लांट एंड मशीनरी कितना 45,000, नेक्स्ट 2, फर्नीचर कितना 2, इन्वेस्टमेंट कितना 2, डेटर्स, डेटर्स का मतलब ही क्या है, बुक डेब्ट सा कितना 60,000, 2 स्टॉक कितना 36,000, कितना है 36,000,
डन। चल हो गया, सभी क्लोज हो गए। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या बताया, 18,000 में से 15,000 क्या गए, 15,000 क्या गई बैंक से पैसे गए, वो 3,000 अमित ने दिए, अमित इज गिवर, अमित को क्या मिलेगा क्रेडिट मिलेगा और बैंक को भी क्रेडिट मिलेगा, मतलब रियलाइजेशन को डेबिट कितना होगा, खर्चा कितना है 18, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,000 टोटल जो भी खर्चा है, टू बैंक अकाउंट कितना 15,000, टू टू अमित अकाउंट कितना, अमित कैपिटल अकाउंट कितना 3,000, तो ये एंट्री आ जाएगी क्योंकि यहां पे पेमेंट जो है वो दो तरीके से गया हुआ है। क्लियर, तो यहां पे बताओ, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखो टू, रियलाइजेशन के अपोजिट साइड पे क्या था टू बैंक कितना 15,000 एक्सपेंस एंड टू अमित कैपिटल अकाउंट 3,000, ये भी क्या है एक्सपेंस, तो चलो बैंक के क्रेडिट साइड पे दो तीन लाइन छोड़ के बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 एक्सपेंस, सॉरी 3,000 है ना, 15 है, हाँ इसमें तो बैंक से 15 है और अमित के इसमें 15,000 है, आगे चलो आगे क्या क्या एडजस्टमेंट है, ठीक है बाकी काम कल के लेक्चर में ही कंटिन्यू करते हैं, और 20 मिनट लगेंगे तो आपका टाइम ऑलरेडी हो चुका है। चलो बाकी क्वेश्चन जो है वो कल के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक नॉर्मल था, सिर्फ हमने पोस्टिंग ही की है लगभग और सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का दिखाया, अभी जो हमने अमाउंट्स कैलकुलेट किए उसका इफेक्ट देना है हमें अकाउंट में, अकाउंट में।